हाय एवरीवन, मैं कुलविंदर सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने अब वेंडर वॉल्यूम का सीरीज नंबर 6 है। चलिए आप और मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है और बहुत आसानी से आपके समझ आने वाला है। चलिए जिन टेक्निक का हम इस्तेमाल करें इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त आप उसका ख्याल रखिएगा। सामने क्वेश्चन आपके है, सूर्य लिमिटेड अक्वायर्ड एसेट्स ऑफ ₹3 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 और चंदा लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,30,000। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाई इशूइंग अबल्स एक्सचेंज एंड बैलेंस बाय इशूइंग 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन फेवर ऑफ चंदा लिमिटेड एंड रेडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर यही एक लाइन इस क्वेश्चन को सबसे अलग और खास बनाती है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। चलिए आगे लिखा है, पास जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सूर्य लिमिटेड। दोस्तों अगर ये लाइन आपके सामने आ जाए रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब आप सम सॉल्व करें इसे टोटली इग्नोर कर दें, लास्ट में ये ट्रांजैक्शन आपकी अपने आप खूबसूरत अंदाज में हो ही जानी है। चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पे बढ़ते हैं, आइए ऑपर में मिलके इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले सूर्य लिमिटेड ने क्या एक्वायर किया, एसेट्स और ₹3 लाख। तो इसमें एसेट्स के नाम तो नहीं दिए, तो हम क्या लिखेंगे स्ट्रेट वे, आप सही समझे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड ₹3 लाख एंड सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ ₹20,000। आप जानते हैं क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी, इट ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिटर होंगे ₹20,000 से क्रेडिट। एंड परचेज कंसिडरेशन, मैंने पिछली बार भी आपको यही कहा था, पिछले कई वीडियोस में भी मैं ये कहता आ रहा हूँ कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो वेंडर को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पे वेंडर का नाम है चंदा लिमिटेड। तो आपने चंदा लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करना है, यस 3,30,000। अगर आप यहाँ पे देखें क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 3,50,000 है, जैसे 20,000 क्रेडिटर के नाम पे, 3,30,000 चंदा के नाम पर। अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाएं तो अमाउंट बनता है 3,50,000 और डिफरेंस किस साइड आ रहा है आपका, डेबिट साइड। अब जो डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है वो किस अमाउंट से आ रहा है, यस 50,000। ये जो 50,000 डिफरेंस है ये हम किसको डेबिट करेंगे, बिल्कुल सही गेस किया आपने, गुडविल अकाउंट, क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो अगर डिफरेंस आएगा डेबिट साइड वेंडर के केस में तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, अब आपने ध्यान से देखने, पहले हम डेबिट करेंगे चंदा लिमिटेड को क्योंकि हमने उसे पेमेंट करना है, वेंडर इज द रिसीवर 3,30,000। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ है 50% पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स एक्सचेंज यहाँ पे क्या मतलब हुआ, बिल्स पेबल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल ₹1,65,000 और बाकी हमने क्या इनको इशू किया, 7% डिबेंचर एट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो इसमें जो लिखा हुआ रिडीमेबल प्रीमियम उसे हम हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, इग्नोर। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड लाइन में जो हमने हाईलाइट किया हुआ रिडीमेबल प्रीमियम, आप उसे इग्नोर कर दीजिए टोटली। पहले हम सिंपल काम कर लेते हैं, उसके बाद इस ट्रांजेक्शन को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ 3,30,000 आप 50% का बिल्स पेबल चंदा को दे चुके हैं 1,65,000 और बैलेंस का आपने क्या ऑफर करने हैं उनको, डिबेंचर्स। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जब भी आप डिबेंचर इशू करते हैं और उस दौरान अगर सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट का केस आए तो हमें नंबर्स निकालने चाहिए। चलिए बॉटम पे फॉर्मूला आ चुका है, क्या फार्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, फार्मूला है वेंडर अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट प्राइस ऑफ डिबेंचर इशूड। अब देखिए यहाँ पे आपने गौर करना है, चंदा लिमिटेड को हमने पे करना था 3,30,000 आउट ऑफ विच वी ऑलरेडी गिवन 1,65,000 एज बिल्स एक्सचेंज नोन एज बिल्स पेबल। तो 3,30 में से 1,65,000 हम दे चुके हैं, तो बैलेंस हमने कितना देना उसे, 1,65,000 डिफरेंस ऑफ 3,30,000 एंड 1,65,000 रिमेन्स 1,65,000। अब इसे हम डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹100 है और हमने इश्यू किया 10% प्रीमियम। ₹100 का 10% प्रीमियम ₹10 होगा। मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ अगर डिबेंचर के ऊपर कोई भी परसेंटेज प्रीमियम या डिस्काउंट की हो तो आपने नॉमिनल वैल्यू पे हमेशा कैलकुलेट करना है। ₹100 का 10% बनता है ₹10। हमने लिखा
अब हम इसके नंबर्स निकालेंगे आपस में डिवाइड करके, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 110 एंड द नंबर केम आउट 1,500। क्लियर हो गया। अब हम इसकी वैल्यू पोस्ट करेंगे, सबसे पहले डिवेंचर के आगे नंबर मल्टीप्लाइड बाय रेट। अब आप जानते हैं हमने 1,500 डिवेंचर इशू किए हैं और डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपी है, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा आपका 1,50,000। सिमिलरली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका वही नंबर्स तो सेम है 1,500 और प्रीमियम जो है पर शेयर इज 10 रुपी, तो वैल्यू बनेगी 15,000। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो रिडीमेबल एट प्रीमियम रेड में हमने हाईलाइट किया उसे इग्नोर करें, अब उसकी बारी है एंट्री आने की। आप जानते ही हैं कि जब भी हम रिडीमेबल एट प्रीमियम पे डिवेंचर ऑफर करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कहा, ये कंपनी के लिए लॉस है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। क्लियर हो गया। अब हमने इसका वैल्यू लिखना है, बहुत ही आसान है, 5% प्रीमियम लिखा है। मैंने पहले भी कहा था जो भी कैलकुलेशन होंगी प्रीमियम या डिस्काउंट की, ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू और डिवेंचर पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपी है डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू, उसके ऊपर 5% रिडीमेबल एट प्रीमियम बन जाता है 5 रुपीज। नंबर्स आपके सामने हैं, तो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 1500 एट द रेट ऑफ 5, वैल्यू बनेगा 7500। ये जो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट हमने डेबिट किया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जी हाँ, जो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है वो कंपनी ने फ्यूचर में आपको लौटाना है, आपको मतलब डिवेंचर होल्डर्स को, और वो कंपनी की एट प्रेजेंट लायबिलिटी है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पर भी नंबर और रेट का खेल है, जो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है वो प्रीमियम और रिडेम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 1500 एट द रेट ऑफ 5, वैल्यू बन जाती है 7500। क्लियर हो गया। उम्मीद रखता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वन ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन है इन केस ऑफ वेंडर सीरीज, कंपनी कभी भी कोई भी स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन में डाल सकती है, तो उम्मीद है कि यह जो वेंडर सीरीज के वॉल्यूम 6 हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में, और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में भी आपको फायदा देंगे। चलिए बहुत जल्द आपके सामने डिबेंचर के नए क्वेश्चंस और नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए खट्टा।